हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिडल ईस्ट यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मैं आपको बताऊंगा सक्सेस स्टोरी माल्टा वर्क परमिट की और माल्टा वर्क परमिट की जो लेटेस्ट 2022 की फ्रेश डिटेल्स क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो कम खर्चे के अंदर, कैसे आप अपना वर्क परमिट का वीज़ा है जो माल्टा का ले सकते हो। ये वीज़ा एज ए सिक्योरिटी गार्ड हमने लगाया है माल्टा वर्क परमिट के लिए। तो माल्टा की एक कंपनी थी जिसको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए थे। सेम प्रोफाइल के अंदर अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हो, सेम ही कैंडिडेट होते हैं जिनका सेम एक्सपीरियंस है, तो बहुत इजीली विदाउट एनी हैजल्स और आपका बिना टाइम और पैसा वेस्ट किए आप माल्टा का वर्क परमिट ले सकते हो। ये सक्सेस स्टोरी है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और फर्दर हम इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे कैसे आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कितना खर्चा आएगा, टाइम प्रोसेस एंड व्हाट आर द ऑल फॉर्मेलिटीज़, मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप करें ताकि आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकें। तो सबसे पहले मैं आपको पासपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। इस बाइक का कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है बिकॉज ये कोई टूरिस्ट वीज़ा तो हमने लगाया नहीं, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द वर्क परमिट, यहाँ से पासपोर्ट इनका शुरू होता है। दुबई के इनके दो वीज़े लगे हैं, दिस इज़ अ वीज़ा ऑफ सिक्योरिटी गार्ड और सेकंड वीज़ा भी इनका एज ए सिक्योरिटी गार्ड है। ये लेटेस्ट वीज़ा है जो इनका यहाँ का है, अभी का चल रहा है, इसके बाद में ये कोई भी इनका वीज़ा नहीं लगा हुआ है, पूरा पासपोर्ट खाली। ये माल्टा का वर्क परमिट एज ए सिक्योरिटी गार्ड जो हमने इसको लगा के दिया है भाई को, और इसके बिना भी आप चेक कर सकते हो टिल द लास्ट। दुबई का ही एक और वीज़ा है और इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, जब से ये इधर आए हैं ना इंडिया भी एक ही बार जाके आए हैं, तो इंडिया इनका जाने का कोई ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है। इंडिया से एक बार इधर आए, यहाँ पे इन्होंने कंटिन्यू काम अपना शुरू किया, दो साल के बाद में इंडिया गए, फिर से आए, सेम जॉब सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ये करते रहे एंड माल्टा का वर्क परमिट अप्लाई किया। आफ्टर 3 ईयर्स इनको दुबई एक्सपीरियंस के हिसाब से मिल गया, फर्स्ट टाइम फर्स्ट अटैम्प्ट में इनको वीज़ा मिल गया। अभी हम बात करते हैं टाइम प्रोसेस की। जो माल्टा का वर्क परमिट है ना, या किसी भी कंट्री का वर्क परमिट की बात करोगे, वो जल्दी होने वाला काम नहीं होता है। 1-1.5 महीने में 2 महीने में इसका वीज़ा नहीं मिलता है। अगर आप जल्दी के अंदर हो तो आपको शेनिंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। वर्क परमिट आप शेनिंगन में भी उधर जाके कर सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे माल्टा वर्क परमिट के लिए आपको कितना कॉस्ट लगता है, कितने पैसे लगते हैं। बेसिकली मैं आपको एक्चुअल फीसेस बताऊंगा जो कि बहुत ही कम है, शॉकिंग है, बिकॉज यूएई मार्केट के अंदर, गल्फ मार्केट के अंदर या इंडिया पाकिस्तान में अगर आप बात करोगे ना, बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं इसी काम के लिए। अराउंड 20,000, 15,000, 30,000, 25,000 दरम की मैं बात कर रहा हूँ। इंडियन रुपीज़ में बात करोगे तो आपको 8-10-12 लाख इंडियन रुपीज़, पाकिस्तान रुपीज़ में इसका और भी डबल कर लो। तो दीज आर द चार्जेस जो इस काम के लिए, माल्टा वर्क परमिट के लिए लोग चार्ज कर रहे हैं। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो मैं आपको चार्जेस बताऊंगा बहुत ही कम है और बहुत ही इकोनॉमिक है। आप खुद कर सकते हो, बहुत ही कम खर्चे में आप अपना वर्क परमिट ले सकते हो। अगर हमारे से करवाओगे दैट आल्सो वेरी चीप। तो एक्सपेंसेस के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो ये आपने देख लिया इनका पासपोर्ट जिसके अंदर दो इनके सिक्योरिटी गार्ड के वीज़े थे, एक माल्टा का वीज़ा जो कि एज ए सिक्योरिटी गार्ड ही इनको मिला है। तो अभी हम बात करेंगे आपको ये वीज़ा कैसे लेना है, क्या टाइम है, क्या प्रोसेस और स्ट्रक्चर है और एक्सपेंसेस क्या आते हैं, प्रोसीजर क्या है। तो पूरी डिटेल के लिए आप कंटिन्यू से बिगनिंग से अभी शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना माल्टा का वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हो तो पहली एक बात आप नोट करो कि जो आपका जॉब प्रोफाइल है, माल्टा ने अभी रजिस्ट्रेशन कर दिया है, पहले ये बहुत ईजी था। पहले क्या था, कोई भी बंदा अप्लाई कर रहा था, चाहे वो किसी भी जॉब प्रोफेशन में था, वो ट्रेड वर्कर में है, हेल्पर में, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, ये ट्रेड वर्कर आता है, स्किल वर्कर जिसको हम बोल देते हैं। तो मोस्टली ये वीज़ा ट्रेड वर्कर को ईजिली मिलता है, सिक्योरिटी गार्ड इज़ वन ऑफ द ट्रेड क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोफेशन है सिक्योरिटी गार्ड। तो अगर आप ट्रेड वर्कर से, ट्रेड से या स्किल वर्कर से बिलोंग करते हो, ब्लू कॉलर में हो, तो आपके लिए ये वीज़ा है, आपको ईजिली ये मिल जाता है क्योंकि माल्टा में इस प्रोफेशन के लिए बहुत डिमांड है। इसमें बहुत सारे प्रोफेशन आते हैं जैसे वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैसन, स्टील फिक्सर, कांच वाला, कोई गिलास वाला, नाई, शेफ, कुक, वेटर, सिक्योरिटी गार्ड्स, ड्राइवर्स। तो ये ऑल द प्रोफेशन जिसमें कोई ना कोई नॉलेज चाहिए, स्किल्स चाहिए, इसमें वीज़ा ये मिलना थोड़ा आसान होता है। इसका प्रोसेस क्या है, आपको सेम लाइन का एक्सपीरियंस होना चाहिए,
आपको अच्छे से अपना CV बनाना है, रिज्यूम बनाना है, जो कि यूरोपियन स्टाइल में होना चाहिए, देन इस वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वेबसाइट दी हैं जिधर आप फ्री में भी जॉब अप्लाई कर सकते हो। तो आपकी सेम जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग जो भी वहाँ पे वैकेंसीज हैं वो आप पर्टिकुलरली अप्लाई करते जाओ, होपफुली आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगा। तो जैसे आपको वो जॉब मिल जाता है, आइडेंटिटी माल्टा वहाँ का डिपार्टमेंट है, लेबर कोड जैसे हम बोल देते हैं आपको समझाने के लिए, तो आइडेंटिटी माल्टा जो कंपनी आपको नौकरी देगी, जॉब देगी माल्टा के अंदर, वो आइडेंटिटी माल्टा से आपका वर्क परमिट है जो वो अप्रूव करवाती है। तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करने के लिए जो टाइम आता है 45 days टू मैक्सिमम 90-95 days लगते हैं, यानी कि 40-45 सवा 2 महीने से लेके 3 या मैक्सिमम 4 महीने तक आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है ना वो अप्रूव होके आ जाता है। जब आपको जॉब मिल जाती है वर्क कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव होके आ जाता है तो ये ओरिजिनल आता है बाय ईमेल या फिर बाय कोरियर। किसी भी सूरत में आपके पास में जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो आपको सबसे पहला काम करना है VFS में अपॉइंटमेंट लेना है। तो VFS के अंदर अपॉइंटमेंट लेने के लिए आफ्टर दैट जो मेन डॉक्यूमेंट है आपने पूरा एक साथ में गैदर करना है, अच्छी सी फाइल बनानी है, उसको जमा करना है। फाइल बनाने के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट चाहिए अभी हम उसकी बात करते हैं, फाइल के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपके लगते हैं। तो पहले तो आपका ये पासपोर्ट होना चाहिए आपके हाथ में जो 6 months से ज़्यादा वैलिड होना चाहिए। नेशनलिटी कोई भी है आपका पासपोर्ट एटलीस्ट 6 महीने से ज़्यादा ये वैलिड होना चाहिए। प्रेफर के वर्क परमिट के लिए 1 साल तक का मिनिमम आप साथ में लगाओ, मिनिमम 6 months है जो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन फिर भी 1 साल तक लगाओ। उसके बाद में आपका CV रिज्यूम जो आपने जॉब सर्च के टाइम पे सबमिट किया है, सेम CV सेम रिज्यूम आप उसके साथ में लगाओ। आपके रिसेंट 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए और उसके बिना आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, PCC जिसको बोलते हैं। आप जिस कंट्री के भी रेजिडेंट हो, जैसे आप दुबई में UAE में रह रहे हो, आपकी नेशनलिटी इंडिया या पाकिस्तान है, तो आपको UAE से लेना है अभी वो PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और अपनी एप्लीकेशन के साथ में लगाना है। उसके बाद में एडिशनल डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो, दीज आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या हैं, एक्स्ट्रा हैं, जो आप अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगा सकते हो, आपके करंट कंपनी से जिधर आप एम्प्लॉई हो उससे NOC लेटर लगा सकते हो, और आप अपनी एसेट्स लगा सकते हो जिसमें आपका घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, बैंक अकाउंट, FD कुछ भी आ सकता है। ये मैंडेटरी नहीं है बट दीज आर द एडिशनल डॉक्यूमेंट। अगर आप मैरिड हो, मैरिज सर्टिफिकेट, आपके बच्चे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, सो दीज आर द डॉक्यूमेंट दैट यू कैन कैरी विद योर एप्लीकेशन एट टाइम ऑफ सबमिशन एट द VFS ग्लोबल। तो इसके साथ आपको फॉर्म फिल करना है, एक कवर लेटर बनाना है जो कि मैंडेटरी, अच्छा सा एक SOP बनाओ, कवर लेटर बनाओ, इस फाइल के साथ में जमा करो। ये सारी चीज़ें लेके जो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट आया है माल्टा का वो लेके साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस अनदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, एटलीस्ट 6 महीने का आप ट्रैवल इंश्योरेंस लगाओ। VFS की साइट में लिखा है 3 months का, लेकिन वी रिकमेंड कि कम से कम 6 months का इंश्योरेंस लगाओ जिसमें मिनिमम 35,000 euro का कैपेसिटी रहना चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप VFS में अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन जाओगे, आपकी फाइल वहाँ पे लीगली सबमिट हो जाती है। आफ्टर दैट एम्बेसी का टाइम है, VFS का टाइम है, दे टुक अराउंड 15-20 days फॉर द डिसीजन। 15-20 दिन वो टाइम लेते हैं डिसीजन के लिए। एट टाइम ऑफ सबमिशन अगर वर्क परमिट है आपका, एक माइनर सा इंटरव्यू भी होता है, तो आपसे वो इंटरव्यू लेंगे, 5-10 questions बेसिक क्वेश्चन होते हैं, तो हम आपको उसके लिए भी गाइड करेंगे। जब आपकी फाइल जमा हो जाती है 15-20 दिन में आपको वीज़ा है जो ग्रांट हो जाता है। तो ये ऐसा वो वीज़ा है, इसकी वैलिडिटी आप देख सकते हो 90 या 91 days की होती है, 90 या 91 days की। ये ट्रैवल वीज़ा है जिसके ऊपर आप जाते हो, अपनी कंपनी में जाते हो, वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर जाते हो। अभी वहाँ पे आफ्टर ज्वाइनिंग क्या प्रोसीजर है, जब आप माल्टा में पहुँच जाते हो, माल्टा पहुँचने के बाद में आपको ये वीज़ा लेके आइडेंटिटी माल्टा के अंदर जाना है, अगेन वहाँ का जो लेबर कोड है आपको पहले बताया है, तो वहाँ पे आपके बायोमेट्रिक्स होंगे फॉर द रेजिडेंसी परमिट, जिसको हम TRC भी बोलते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड। विद इन 3 months आपको वो TRC मिल जाता है वहाँ पे पहुँच के आइडेंटिटी देने के बाद में मैक्सिमम। तो जब आपके पास में TRC आ जाएगा तो आप अपनी जॉब को भी स्विच कर सकते हो। अगर आपको ये कंपनी जिसके थ्रू आपको वर्क परमिट मिला है या कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी जिसके थ्रू आपको वर्क परमिट मिला है आपको नहीं अच्छी लग रही है, आपको सैलरी टाइम पे नहीं दे रही है, या कोई भी XYZ प्रॉब्लम है, लोकेशन दूर है, या आपको काम पसंद नहीं आ रहा है, तो यू कैन चेंज योर वीज़ा, बिकॉज वहाँ पे वीज़ा नहीं पर्टिकुलर चेंज होता है, जॉब प्रोफेशन चेंज कर सकते हो, वहाँ पे कंपनी का वीज़ा नहीं होता है एज़ पर UAE लॉ। जैसे UAE के अंदर उसी कंपनी के अंदर आपको काम करना पड़ता है जिसका वीज़ा है, तो माल्टा के अंदर ऐसा सीन नहीं है।
अगर आपको काम नहीं पसंद आ रहा है, कंपनी नहीं पसंद आ रही है, आफ्टर योर रेजिडेंसी परमिट, रेजिडेंसी मिलने तक आपको उधर ही रहना है, आफ्टर योर रेजिडेंसी परमिट यू कैन स्विच योर जॉब। आप कोई भी एम्प्लॉयर ढूंढ सकते हो, कहीं पे भी कोई भी लीगली काम कर सकते हो, जस्ट यू नीड टू इंटीमेट विद द आइडेंटिटी माल्टा अगेन जब आपको कोई नया जॉब मिल जाता है। अगर आप कंट्री भी चेंज करना चाहते हो लेटर ऑन, 3 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में, आप पुर्तगाल, पोलैंड, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, इटली कहीं जाना चाहते हो, आपको उस कंट्री से कोई ना कोई जॉब ऑफर मिल रहा है, तो आप लीगली अपनी कंट्री भी चेंज कर सकते हो आफ्टर योर रेजिडेंसी परमिट। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन माल्टा फ्री रेजिडेंसी और फ्री मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, बट स्टिल इट्स डिपेंड ऑन द एम्प्लॉयर ओवर देयर। तो अभी हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, खर्चे की। अगर आप ये वीज़ा खुद अप्लाई करना चाहते हो फ्री में, तो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दिया है, वहाँ पे जाओ, अच्छा सा सीवी बनाओ, खुद आप अपना जॉब सर्च करो। जब आपको 3 महीने में 2 महीने में 4 महीने में कोई ना कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, तो आप हमारे से आके फाइल बना सकते हो या खुद अपनी फाइल अच्छे से रेडी करो। अगर आप हमारे से फाइल बनाना चाहते हो, उसका चार्जेस आता है 800 दिरहम और 1000 दिरहम। हमारे पास तो दो तरह की फाइल है, जिसके अंदर डिफरेंस सिर्फ ट्रैवल इंश्योरेंस का है। अगर आपको 6 मंथ का ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए, तो पूरी कंप्लीट फाइल, जिसमें आपको अपॉइंटमेंट भी बना के देंगे, फॉर्म वगैरह भी फिल करेंगे, टिकट्स भी लगाएंगे, आपका एक अच्छा सा कवर लेटर भी हम बना के देंगे, और 6 मंथ के ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ में, विच कॉस्ट यू 800 दिरहम, 800 दिरहम में वो बना के देंगे। अदरवाइज अगर आपको 1 ईयर का इंश्योरेंस चाहिए, उसमें 1000 दिरहम आता है, जिसके अंदर ये पूरा डॉक्यूमेंट, अपॉइंटमेंट एंड एवरीथिंग हम सिर्फ 1000 दिरहम में आपको बना के देंगे। तो ये है कॉस्ट फॉर योर फाइल मेकिंग ओनली। अगर आप जॉब खुद सर्च करना चाहते हो, वो फ्री है, जैसे मैंने आपको बताया। अगर आप जॉब सर्च भी हमारे से करवाना चाहते हो, तो दैट एडिशनली कॉस्ट यू 800 दिरहम। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना सीवी, पासपोर्ट फ़ोटो और आपका जो वीज़ा कॉपी है दुबई का, ये पूरा अच्छा सा सीवी बना के हमको दे के जाओ। हमारी कंसल्टेंसी फीस है, सर्विस चार्ज है जॉब सर्च के लिए 800 दिरहम। 100% नहीं है कि सारे के सारे बंदों को जॉब मिलेगा, इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी ओवर देयर, बिकॉज हम आपके लिए ट्राई करते हैं रियल जॉब हंट करने के लिए। तो 80-90% लोगों को जॉब मिल जाती है, स्टिल 10-20% लोगों को जॉब भी नहीं मिलती है समटाइम। तो 3 महीने 4 महीने 5 महीने ऐसा वेट भी करना पड़ता है। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप फ्री में करना चाहते हो, आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आती है, कंप्यूटर आता है, तो आप खुद भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के नीचे हमने लिंक्स दिए हैं, फ्री वेबसाइट्स दी हैं, जिसमें आप अपनी वर्क परमिट के लिए जॉब सर्च कर सकते हो। हमारी कंसल्टेंसी फीस है 800 दिरहम, हमारे से करवाना है तो भी हो जाएगा। जब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, फिर हम आपकी फ़ाइल बनाएंगे, विच अगेन कॉस्ट यू 800 और 1000 दिरहम। फाइल आपकी बन जाएगी, VFS में जाओगे, जाके वीज़ा लगा लोगे, दैट इज़ ऑल अबाउट माल्टा वर्क परमिट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या आप हमारे से करना चाहते हो, तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो, लाइक करो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सो दैट ऑल कैन गेट दिस इन्फॉर्मेशन। वर्क परमिट के नाम पे ही UAE मार्केट के अंदर 15,000, 18,000, 20,000, 30,000 दिरहम भी लेते हैं। UAE में बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट हैं जो इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं। हालांकि ये भी काम बहुत सस्ता है, जैसे मैंने आपको बताया है, टाइम और एफर्ट और पेशेंस, ये तीनों चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर करना है। थोड़ा बहुत आपको एफर्ट करनी है, खुद जॉब सर्च करो या कुछ अच्छा बंदा ढूंढो जो आपके लिए जॉब सर्च करेगा। टाइम इसमें ज़रूर लगेगा, डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ये ओवरऑल प्रोसीजर 5-6 मंथ का है। तो ये 5-6 मंथ आपको एफर्ट करनी है और पेशेंस भी रखना है, तभी आपको इसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, जैसे हमारे ये भाई को मिला है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, अभी ये माल्टा में अच्छी सैलरी के ऊपर जा रहा है। तो ये है वीडियो, आपको अच्छी लगे इसको लाइक करो, शेयर करो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सो दैट ऑल कैन सी अबाउट द डिटेल ऑफ माल्टा वर्क परमिट। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।